और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खतरे के बीच तमिलनाडु सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को सील करने का फैसला किया है। इसके लिए हाईवे पर 7 फीट ऊंची सीमेंट की दीवार बनाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार की दलील है कि दीवार बनने से कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हाईवे पर एक 7 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है, पक्की दीवार है, और इसके जरिए माना जा रहा है कि जो कोरोना की रोकथाम हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, दोनों ही राज्यों में अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो वहां पर 1800 के करीब केसेस सामने आए हैं, और वहीं पर अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहां 1000 से ज्यादा केसेस हैं। जबकि मौत का आंकड़ा अगर बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तमिलनाडु में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अब इसे एहतियातन यानी कोरोना को रोकने के लिए हाईवे को ही सील किया जा रहा है दीवार बना के। कर्नूल आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यहां पर अभी तक कोरोना के 279 केसेस सामने आए हैं। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में कल 81 नए केसों के साथ यह आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। इन आंकड़ों ने तमिलनाडु की चिंता बढ़ा दी है। तमिलनाडु ने चित्तूर बॉर्डर पर लिटरली एक 7 फीट की वॉल खड़ी कर दी है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर। चित्तूर पुन्नी और चित्तूर गुड़ियातम हाईवे पर ये दीवार बनाई जा रही है। हालांकि केंद्र और सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि बॉर्डर्स ब्लॉक किए जाएंगे, गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाएगा, लेकिन इस तरह दीवार खड़ी कर देना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे एसेंशियल सर्विसेज पर भी नुकसान होगा, उन्हें भी बाधाएं पहुंचेंगी। लेकिन तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण को आंध्रा से तमिलनाडु में फैलने से बचाने के लिए उनके पास फिलहाल अभी कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए हाईवे पर सीमेंट की दीवार खड़ी की जा रही है। तो अब देखना होगा कि पलनीसामी के इस कदम का जगनमोहन रेड्डी क्या जवाब देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में सुबह की इस दिन भर की 100 बड़ी खबरें। इसका